बिपरजॉय तूफान ने गुजरात में तबाही मचाई और ये तूफान अब राजस्थान में एंट्री ले चुका है। कुदरती तूफान को आने से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन राजस्थान में तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी है। बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर और नागौर में बारिश का दौर जारी है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। और ये चार तस्वीरें हैं बीकानेर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर की, जहां पर बिपरजॉय जब आया तो किस तरह का हालात वहां पर बने वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। बीकानेर के अंदर बारिश का दौर जारी है, जालौर में तेज हवाएं चल रही है, जोधपुर के अंदर जब रात को बारिश आई तो उसके बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही बाड़मेर के जो हालात है वो ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, किस तरह से वहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद सड़कों पर किस तरीके से बाढ़ के हालात बन गए हैं। तो राजस्थान में बिपरजॉय की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें उदयपुर बाड़मेर संभाग के कुछ हिस्सों में इस समय लगातार बारिश बनी हुई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो राजस्थान के हालात भी इस समय बिपरजॉय ने बिगाड़ रखे हैं। बाड़मेर से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, एहतियातन इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उदयपुर से दिल्ली और मुंबई की 2 उड़ानें रद्द कर दी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ गए हैं। अरुण, जोधपुर में किस तरीके का हालात है, क्योंकि बिपरजॉय के चलते वहां भी काफी बारिश का मंजर देखने को मिला। सौरभ, मैं बताना चाहूंगा पिछले 2 घंटे से जोधपुर में बरसात बंद हो चुकी है, हालांकि हवाएं चल रही है। मैं कैमरामैन शिव को कहूँ वो दिखाई किस तरह का, देखिए आप पूरे जोधपुर में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं बरस नहीं रहे पिछले 2 घंटे से, लेकिन हवा थोड़ी है जो चल रही है। और जो जोधपुर की अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिस तरह से जोधपुर के 4 पॉइंट थे जहां पर ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने को लेकर आशंका बनी हुई थी, उन चारों जगह पर निगम की टीमें और जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद खड़ी है, कल रात से लेकर अभी तक खड़ी है। और जो डर्बी कॉलोनी है जहां लंबे करीब 20 सालों से जो एक समस्या चल रही है उसमें भी वो पानी निकालने के लिए मड पंप लगाए हुए, यानी कि कह सकते हैं प्रशासन बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है। वही बात अगर करें जोधपुर संभाग में, जिस तरह से बाड़मेर और जालौर में जिस तरह से पानी बरसा है और जिस तरह से तेज बारिश हुई है, वहां पर SDRF की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाली है। यहाँ तक कि बाड़मेर में बाढ़ के भी हालात बन चुके हैं। तो कह सकते हैं लगातार जिस तरह से बाड़मेर और जालौर और सिरोही के जिले की अगर माउंट आबू की बात करें उस जगह सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन जोधपुर में फिलहाल कह सकते हैं पिछले 2 घंटे से बारिश रुकी हुई है, हवाएं चल रही है। और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से चक्रवात की चेतावनी दी गई, तूफानी जो हवाएं चलने की और बरसात की बात कही गई थी वो फिलहाल प्रशासन नजर बनाए हुए, लेकिन जोधपुर में 2 घंटे से बारिश रुकी हुई है। सौरभ जी, और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे भी। ऋषभ, किस तरीके के इस समय हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर की अगर बात करें तो वहां भी सुबह से मौसम पलटी खा रहा था। सुबह जहां एक बार बूंदाबांदी शुरू हुई उसके बाद धूप निकल गई, तो अभी किस तरीके का माहौल है जयपुर में? बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर बात करी जाए तो बिपरजॉय इस समय डीप डिप्रेशन का रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं जो गति है उसमें भी कमी आई है। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिपरजॉय आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बादल किस तरह से छाए हुए हैं, क्योंकि हालांकि राजस्थान की बात करें तो तमाम जिलों में लगभग 90% जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं। हालांकि जयपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। फिलहाल पिछले अगर बात करें तो लगभग 45 मिनट से बारिश नहीं हुई है इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करी जाए तो राजधानी जयपुर में भी अब मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिपरजॉय को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति की बात करें तो वो बाड़मेर और सिरोही में देखी जा रही है। बाड़मेर सिरोही के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है जी, जिसमें साफ तौर पर 3 से 4 घंटे तक लगातार बारिश होने और बारिश के बाद जो हवा की स्पीड है वो 40 से 50 किलोमीटर रहने की संभावना है। इसके साथ ही पाली और जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगर येलो अलर्ट की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यानी कि पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अब जो बिपरजॉय है इसका असर देखने को मिलेगा सौरभ।
और वो असर देखने को भी मिल रहा है, जैसा कि आपको बादल भी अभी दिखाए। अगर कुछ देर पहले की बात करें तो करीब 4:30 बजे के आसपास धूप वापस से निकली थी, एक बार फिर गर्मी बढ़ने शुरू हुई थी, लेकिन फिर उसके आधे घंटे बाद बारिश होती है, बादलों की आवाजाही शुरू होती है और फिर से एक बार बादलों ने जो काली घटाएं हैं उन्होंने जयपुर शहर को फिर से ढक दिया है। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन बिपरजॉय का जो असर है वो आगामी 48 घंटों तक देखने को पूरी तरह से मिलेगा, और यही कारण है कि 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। मैंने आपको तमाम जिले बताए, सबसे ज्यादा जो असर है वो बाड़मेर सिरोही में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाड़मेर और सिरोही में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि राजधानी जयपुर में ऐसी स्थिति अभी फिलहाल नहीं बनी, और जब तक ये जयपुर में जिस तरह का असर है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो ये चक्रवात अब डीप डिप्रेशन का रूप ले चुका है, स्पीड भी कम है, 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करी जाए तो राजधानी जयपुर में करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालांकि अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो बिपरजॉय का जो असर है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिल रहा है। सौरभ, ऐसे में ऋषभ, पूर्वी राजस्थान के लिए क्या चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है? देखिए, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। हालांकि रेड अलर्ट नहीं है फिलहाल, ऑरेंज अलर्ट कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्पीड की गति जहां पर ऑरेंज अलर्ट है वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अगर येलो अलर्ट की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग ने जारी कर दी है। तो तमाम वो इलाके, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल जो बिपरजॉय का असर है सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, पूर्वी राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर बादल छाए हुए हैं, बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने इसलिए पहले ही एहतियात के तौर पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां रेड अलर्ट है वहां लोगों को घर से निकलने पर मनाही मौसम विभाग ने अपील करी है, साथ ही जहां येलो अलर्ट है वहां पर भी बिना काम के निकलने से मना मौसम विभाग ने कर रखा है। सौरभ, बिल्कुल ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। अरुण, जोधपुर में इस समय जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कई ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें बाढ़ जैसी हालात बन चुकी है, ऐसे में प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था है वहां के लोगों के लिए? सौरभ, अगर बात की जाए, अभी तक जल भराव की स्थिति नहीं हुई, लेकिन जोधपुर के 4 पॉइंट है, उन 4 पॉइंटों पर जो है नगर निगम की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और मड पंप लगा रखे हैं। बात अगर की जाए, रबी कॉलोनी जो बास इंडस्ट्री एरिया में आती है, जहां पर पिछले 20 साल से एक समस्या बनी हुई है, वहां हर साल पानी बरसात का इकट्ठा रहता है और वहां हर साल लोगों के गर्म पानी जाता है, उस जगह पर एहतियातन नगर निगम ने है मड पंप लगा रखे है, लेकिन अभी जल भराव की कोई स्थिति यहां नजर नहीं आई। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं एहतियात को लेकर चारों इलाके जो जोधपुर के हैं वहां पर प्रशासन पूरा मुस्तैद है और वहां पर जो है नगर निगम की तरफ से एडवांस में मड पंप लगा रखे है, चाहे बात करें सुरसागर रामद्वारे के पास के और चाहे जमकू के जाव की और डरबी कॉलोनी और बीजेस नटबस्ती की रूपनगर की, इन जगहों पर नगर निगम ने पहले से मड पंप लगा रखे हैं। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम भी है जो लगातार शहर में घूमकर नजर बनाए हुए है कि कहीं अगर बारिश आती है और कहां पर जो है कच्ची बस्ती या जहां लोग फंस सकते हैं उसको लेकर भी एसडीआरएफ की टीम लगातार दौरा कर रही है। तो कह सकते हैं प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा हुआ है, नगर निगम प्रशासन अलर्ट है और विद्युत विभाग भी इस मामले को लेकर अलर्ट है। तो लगातार तमाम विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारी है वो लगातार जिला कलेक्टर को रिपोर्ट दे रहे हैं और कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल 2 घंटे से बारिश रुकी हुई है लेकिन बादल छाए हुए, रात तक बारिश आने की संभावना है, तो कह सकते हैं उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। सौरभ, ऐसे में प्रशासन तो मुस्तैद है, मौसम विभाग का क्या कहना है अभी जोधपुर में, किस कब तक ये स्थिति बनी रहेगी बिपरजॉय की? देखिए, अगर बात की जाए जोधपुर के जिस तरह से मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो जोधपुर पहली बार ऐसा हुआ ऑरेंज से येलो और येलो से वापस ऑरेंज में, जिस तरह से बार बार हर 4 घंटे बाद में मौसम विभाग की चेतावनी आती है उसी तरह से बार बार ये मौसम बदल रहा है। लेकिन कह सकते हैं रात को बारिश आने की संभावना जताई है, उसी को लेकर प्रशासन अभी ये सोच के बैठा है कि अगर रात को बारिश आती है तो किस तरह के इंतजाम करना पड़ेंगे। जिस तरह से हमारी एसडीआरएफ की टीमों से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हमारे पास लाइट रैकन से लेकर तमाम वो व्यवस्था है जो रात्रि में भी रेस्क्यू करने की अगर आवश्यकता पड़ी तो लोगों को हम सुरक्षित निकाल सकेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह का जो अभी का माहौल कह सकते हैं, काले बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है लेकिन बरसात रुकी हुई है। सौरभ, ठीक है, अरुण आप हमारे साथ बने रहिए। ऋषभ, जिस तरीके के हालात इस समय जोधपुर में बने हैं, अगर ऐसे ही कुछ हालात देखने को मिले अगर जयपुर के अंदर, तो यहां पर किस तरह की तैयारी है? तो
देखिए तैयारियों की बात करी जाए तो लगातार नगर निगम प्रशासन ये तो कह रहा है कि हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब पहले गुजरात तट से टकराया भी नहीं था, तब से मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सभी नगर निगम प्रशासन को भी इसके लिए अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इसकी पोल आज कोटपुतली में देखने को मिली। कोटपुतली में जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो साफ तौर पर वहां पर जल भराव की स्थिति निचले इलाकों में देखी गई। थोड़ी देर की बारिश थी, लेकिन उस बारिश के बाद जिस तरह का फर्क, जो उनकी कथनी और करनी में जो फर्क है, वो कोटपुतली में देखने को मिले। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये, बिपरजॉय तो एक चक्रवाती तूफान है, जल्द ही मानसून राजस्थान में प्रवेश करेगा और मानसून प्रवेश करते ही जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा, आए दिन बारिश होगी। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि फिलहाल नगर निगम प्रशासन इसको लेकर सतर्क रहे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां कोटपुतली में देखने को मिली कि जैसे ही आधे पौन घंटे की बारिश हुई और उसके बाद जलभराव की स्थिति निचले इलाकों में देखी गई, हालांकि उसके बाद लगातार प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। राजधानी जयपुर में भी नगर निगम प्रशासन यही कह रहा है कि हम मुस्तैद हैं, निचले इलाकों में जो साफ सफाई है नालों की हो या तमाम जो छोटी छोटी नालियां भी हैं उनको भी साफ सफाई कर ली गई है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो ये अब, क्योंकि फिलहाल जयपुर में ऐसी स्थिति बनी नहीं है और क्योंकि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, तो इतनी बारिश होने की संभावना नहीं जितनी बाड़मेर सिरोही में देखने को मिल रही है। क्योंकि बाड़मेर में जो बाढ़ के हालात बने, एसडीआरएफ को डेप्यूट किया गया, हालांकि राजधानी जयपुर के लिए भी यहां पर कंपनियों को स्टैंड बाय पर रखा गया कि अगर ऐसी स्थिति, क्योंकि जिस तरह के बादल, मैं फिर से एक बार बादल दिखाता हूं कि जिस तरह की काली घटाएं छाई हुई हैं, उसको देखते हुए जो प्रशासन है उसने टीम्स को भी स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है कि आप सभी लोग अलर्ट रहें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब अभी कुछ देर पहले मौसम विभाग ने वापस से अलर्ट जारी किया तो तमाम जिलों में जहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया, पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में येलो अलर्ट है। और अलर्ट में अगर एक्शन सक्सीडेड की जो बात करी जाए तो रेड अलर्ट वालों में साफ कहा गया कि मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट वालों के लिए कहा गया कि सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ों के नीचे शरण की बिल्कुल ना लें, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दें, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। येलो अलर्ट वालों के लिए कहा गया कि मेघ गर्जन के साथ सुरक्षित स्थान पर जाएं, पेड़ों के नीचे शरण ना लें और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। तो कहीं ना कहीं बिपरजॉय का जो असर है, मौसम विभाग भी उसको लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया, प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सौरभ जी, ऐसे में ऋषभ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां बिपरजॉय गया वहां पर जो कच्चे मकान थे या कच्चे स्ट्रक्चर थे उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में क्या जयपुर में भी इस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि कच्ची बस्तियां हैं, ऐसे मकान हैं जो कि धराशायी हो सकते हैं तेज हवाओं के चलते? देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर मुझे आज भी याद है 2020 और अगर मैं गलत नहीं तो 14 अगस्त का दिन था जब राजधानी जयपुर में बीती रात से बारिश शुरू होती है और अगले दिन तक राजधानी जयपुर की स्थितियां ये होती हैं कि सड़कें हों या नदी नाले हों, सभी लबालब हुए थे। आपको भी याद होगा जब चार दीवारी के अंदर जो मकान थे वो ढह गए थे, लगातार बारिश हो रही थी और करीबन 6 से 7 घंटे तक, 14 अगस्त का दिन था 2020 का, मौसम विभाग ने अलर्ट पहले भी जारी किया था और उसके बाद जो परिस्थितियां राजधानी जयपुर में देखने को मिली तो उससे कहीं ना कहीं जो पोल थी वो सभी की खुल गई थी, चाहे प्रशासन हो चाहे नगर निगम प्रशासन हो, सभी की पोल खुली थी। लेकिन उसके बाद हालांकि इस तरह की बारिश राजधानी जयपुर में देखने को नहीं मिली है, लेकिन बिपरजॉय जिस तरह का तूफान आया, ये महातूफान इसीलिए कहा गया, जो इसने गुजरात में किया और उसके बाद राजस्थान में, एक चीज बेहतर रही कि जब राजस्थान में इसका प्रवेश हुआ तो जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि राजस्थान में प्रवेश के साथ ही डीप डिप्रेशन का रूप ले लेगा, स्पीड में कमी आएगी, तो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, डीप डिप्रेशन का रूप ले चुका और माना जा रहा है कि कल यानी संडे रविवार तक जो इसकी जो पूरी तीव्रता है वो कम हो जाएगी, नॉर्मल जो पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से आता है उस तरह का रूप ले लेगा कि अन्य इलाकों में सामान्य बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर ये बिपरजॉय जिस तरह से गुजरात में प्रवेश किया और जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश किया, अगर वैसे पूर्वी राजस्थान में करता तो कहीं ना कहीं कच्चे मकानों को भी इसमें यह ढा सकता था, क्योंकि इसकी जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी और यही कारण है कि प्रशासन को, मौसम विभाग ने और स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। सौरभ, ऐसे में अरुण, अगर जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर जिस तरह के हालात है, रेस्क्यू तो जारी है, लेकिन ऐसे जो कच्चे स्ट्रक्चर हैं या जो दूर दराज में किसान हैं जहां पर पक्के मकान नहीं हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरह से ग्रामीण इलाके की अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में कच्ची ढाणियां होती है, लेकिन वहां पर जो खुले में आसमान के नीचे रहने के कारण से
विद्युत लाइन गिरने का एक खतरा बना रहता, लेकिन अभी ऐसे कोई समाचार नहीं मिले। बात करेंगे शहरी जो कच्ची बस्तियां है जहां पर, उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए पहले से एक प्लान बना रखा है कि अगर तेज बारिश आती है जोधपुर में तो उनको किस तरह से शिफ्ट किया जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कच्ची बस्तियों में अगर पानी भरने की संभावना जो जताई जा रही है, और पानी अगर आता है तो उसके बाद में रेस्क्यू करने के लिए तमाम प्रशासनिक अमला है जो तैयार है। और जिस तरह से जो बात की जाए, पिछली बार जिस तरह से जोधपुर के विजयस में और जिस तरह से पानी भर गया था उसके बाद नाव भी चलानी पड़ी थी, तो उसको लेकर भी प्रशासन। चलिए अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। जालौर से हमारे संवाददाता रतन राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, किस तरह की स्थिति है इस समय, क्योंकि बिपरजॉय ने काफी कहर ढाया जालौर के अंदर। के अंदर भयानक स्थिति बनी हुई है। मैं यहाँ इस समय जालौर जिला मुख्यालय पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से हवाओं ने जो तांडव मचा रखा है, किस प्रकार से हवाओं की जो तेजी गति के साथ किस प्रकार से हवा चल रही है, लोगों का घर से बाहर निकलना दुष्कर हो गया है। जी, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि आप जालौर में हैं और वहां पर खासा तबाही का मंजर देखने को मिला और बहुत तेज मूसलाधार बारिश भी हुई, अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो किस तरह की व्यवस्थाएं इस समय प्रशासन की ओर से की गई है जालौर में? व्यवस्थाओं को लेकर एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा जो तराटी क्षेत्र है लगने वाले जो रानीबाड़ा पाचोर और भीनमाल क्षेत्र, वहाँ एनडीआरएफ की टीम को पहले से ही पाबंद कर दिया गया था, वहाँ पहुंचा दिया गया था। और ऐसे क्षेत्र दूर क्षेत्र जहाँ पर खतरे की स्थिति बनी हुई थी, जहाँ ऐसा अंदेशा था कि यहाँ बाढ़ की संभावनाएं बन सकती है, वहाँ लोगों को कल रात को ही दूसरे स्थान पर भेज दिया गया था। पर जब रतन ऐसे जो गांव जहां पर बिजली जो सप्लाई है वो कम हो गई है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है लोगों की सुरक्षा को लेकर? विद्युत व्यवस्था और मोबाइल नेटवर्क के बारे में अगर कहा जाए तो संपूर्ण जिले में कल रात से ही विद्युत व्यवस्था पूर्ण रूप से गड़बड़ाई हुई है। इतना ही नहीं, मोबाइल नेटवर्क तक बंद है, कई प्रकार के जो कंपनीज के सिम है वो काम नहीं कर रहे हैं, और विशेष करके मतलब सोशल मीडिया पर भी नेटवर्क नहीं चल पाने के कारण लोग घरों में बैठे हुए बोर हो गए। जी, अगर रतन इसी बीच अगर बात की जाए, जिस तरह की भयावहता आप बता रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्थान होंगे जालौर के अंदर जहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे पानी की वजह से, और खाने पीने की चीजों के लिए भी इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से उन लोगों तक पहुंच रहा है? प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही है, वर्तमान में जो बॉर्डर के गाँव है, जो जालौर के सातौर के आसपास जो शीतलवाना क्षेत्र के जो गाँव थे, वहां पर पहले से ही प्रशासन ने व्यवस्था जिला मुख्यालय और उसके लगने वाले जो दूरदराज के गांव है वहां पर भी प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जाप्ते की व्यवस्था की गई है। ऐसे परिवार जिन्हें भोजन के लिए और रहने के लिए जो दुविधा हो रही थी, उन लोगों को भी प्रशासन द्वारा वहां पर भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं और उनके लिए टेंटों की व्यवस्था की रखी है। और इतना ही नहीं, कई लोगों को, ऐसे बेघर लोगों को विद्यालय में या सरकारी आवासों में रुकाया जा रहा है। जी, मतलब राहत और बचाव का कार्य पूरी मुस्तैदगी से प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का भी जालौर के लिए क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग द्वारा जो निर्देश दे रखा गया है, जिला कलेक्टर निशान जैन ने हिदायत दी है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, और विशेषकर व्यापार मंडल का जो निर्णय रहा वो सराहनीय रहा। आज संपूर्ण जिले के व्यापार मंडल द्वारा ये घोषणा की गई थी कि मार्केट बंद रहेगा, तो आज तथा कल दो दिन तक मार्केट पूरे जिले के लगभग बंद है। जी, और प्रशासन की जो सहायता है उसमें पब्लिक भी प्रशासन का भरकर सहयोग कर रही है। तो कुल मिलाकर बिपरजॉय का जो कहर है वो इस समय पूरे राजस्थान में देखा जा सकता है, कहीं पर हल्का और कहीं पर बहुत जोरदार। इस समय जालौर के जो हालात हैं वो काफी गंभीर बने हुए हैं। उम्मीद यही है कि बिपरजॉय अब जल्द से जल्द अपना ये कहर बरपाना खत्म कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।